बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं SGS IT Tips चैनल। आज का टॉपिक है जी, ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट है या फिजिकल गोल्ड जो कि आप बाज़ार से बाय करके लाते हो और अपने पास रख देते हो सेविंग के तौर पर, या वो ज़्यादा बेटर है। तो इस पे मेरे से एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना दूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी, ऑनलाइन जो गोल्ड की ट्रेडिंग की जाती है, इसका फिजिकल गोल्ड बाय करने से कितना डिफरेंस है? ये नाम से जाहिर है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आना, जस्ट आपने पैसा लगाना है, ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप बाय कर लेते हो और उस पर ट्रेडिंग करते हो, या तो आपको फायदा होगा या आपको लॉस होगा। और दूसरा, उसमें जो मेन इश्यू होता है, पहली तो बात है इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो है लीवरेज के थ्रू, उसमें तो बिल्कुल पैसा गंवाने वाली बात है। दूसरा, अगर आप लीवरेज नहीं भी यूज कर रहे, जस्ट अपने पैसे से ही गोल्ड बाय किया, तब भी आपको काफी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल ब्रोकर आपसे फ्रॉड कर जाए, अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट हैक हो जाए, या इस तरह का कोई भी मसला आपके साथ हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? तो उसके बरक्स अगर बात करें, जो आप फिजिकल गोल्ड बाय करके लाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट होता है सिक्योरिटी का, कि फॉर एग्जाम्पल वो चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको बैंक में रखा हुआ है या घर में कोई ऐसी सेफ प्लेस है, तो मेरे ख्याल में उसमें उसको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि चीज़ आपके हाथ में है, चाहे आप उसको 10 साल बाद सेल करें, चाहे कल जाके सेल कर दें, उसी वक्त सेल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी के मुतहत नहीं आप होंगे। लेकिन जो ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो किसी के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपके हाथ में तो गोल्ड नहीं है, खुदा नास्ता किसी किस्म का मसला होगा, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे, आप जो गोल्ड बाय करते हो, मार्केट से कई लोगों के जहन में आता है कि हम गोल्ड बाय करके रख लें ताकि हमें फ़ायदा हो, तो बिल्कुल इसमें फायदा है। अगर 5 साल पहले की बात करूं तो गोल्ड जो 24 कैरेट की जो गोल्ड बार थी, वो पर तोला थी 42 से 44 थाउजेंड, यानी 42 से 44 हजार रुपये। तो अभी आप देख लें, 5 साल बाद जो उनसे वो तकरीबन 2-2.5 गुना ऊपर गया है। तो उन लोगों ने फायदा कमाया जिन्होंने गोल्ड बार्स रखी हुई थी। तो कभी भी आप ये ना सोचिएगा कि हम ज्वेलरी लेकर रख लें गोल्ड में, कोई कुछ भी हम रिंग बना के या कुछ भी बना के रख लें तो कल हम बेचेंगे, हमें फायदा हो जाएगा। नहीं यार, ज्वेलरी लेंगे तो सरासर आपको नुकसान होगा, रेट ऊपर भी गया होगा ना, तो ज्वेलर्स ने आपको नुकसान ही देना है, इतना मैं आपको बता दूं। इस पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि ज्वेलर कैसे आपको लॉस दे रहे होते हैं, आपको समझ नहीं लगती, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो इसलिए आपने जब भी गोल्ड बाय करना है, गोल्ड बार बाय करनी है और उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा गोल्ड बार पे 99.9% ऐसे लिखा होता है और कंपनी का नाम भी लिखा होता है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ARY ज्वेलर्स अगर उनकी गोल्ड बार लेके आएंगे तो बकायदा उनकी पैकिंग में पैक होगी। तो इस तरह के ब्रांड से जाके आप लोग बाय करें और उसको रख दें घर में सेफ प्लेस पे या किसी भी लॉकर में, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेस्ट है। आगे आप क्या समझते हैं ये आपकी मर्जी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।